यहाँ पर इंतकामी दफ्तर का इफ्तिताह के मौका पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, लेकिन आपका जो जश्न जो है उसने जश्न का समा बना दिया है, जश्न का समा बना दिया है। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपकी मोहब्बत, आपका खलूस, आपका प्यार देखकर मुझे कहना पड़ता है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आज करके मैं आपके सामने मैं हूँ। आज मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आज फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। 3.5 सालों में इमरान गाजी ने मईशत का धर्म तख्ता कर लिया, मुल्क दिवालिया होते होते बचा। हमने सिर्फ उसके पीछे पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी सारे लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, आईएमएफ के प्रोग्राम को बहाल किया। लेकिन आज आपके नाम में गूंज में मुझे आपके मसाइल भी महसूस होते हैं। आज गैस और बिजली के बिल की हर घर में परेशानी का समा बना रखा है, लोग महंगाई के हाथों तंग है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ 16 महीने में हमने शुमार रोज मेहनत करकर शहबाज शरीफ ने स्कूल को दिवालिया होने से बचाया, नहीं तो पता नहीं स्कूल का क्या हाल होता, पेट्रोल हजारों का होता, आटे के लिए राशन कार्ड तकसीम होते और घर घर गली गली एक एक रोटी के लिए लड़ाई होती। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपकी सोचा 2013 और 2018 के दरमियानी 5 सालों की तरफ मजबूर करना चाहता हूँ। जब हमने हुकूमत संभाली 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत बनी, तो मुल्क में 18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, बचाव होती थी कि नहीं होती थी। आपकी जमात ने, आपके कायद ने आपसे वादा किया, और जब 2018 में मोदी जी की हुकूमत ने आईनी मदद पूरी की, तो पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था, खात्मा हो चुका था। ये नौजवानों, भाइयों, आज जो डॉलर आसमानों से बातें करता है, आज डॉलर पता है कितने का है? डॉलर आज 280 का है। ये डॉलर नून लीग की हुकूमत में 105 रुपए का हुआ करता था। ये बिजली के बिल 27 रुपए यूनिट आज है, ये नून लीग के दौर में 7 रुपए यूनिट हुआ करती थी। ये पेट्रोल तो आज 260 रुपए लीटर है, ये पेट्रोल 71 रुपए लीटर हुआ करता था। चीनी 180
रुपए का है और टूली के दौर में 170 रुपए का हुआ करता था और आटा जो आज 1500 रुपए का आटे का सैला है। जब आपकी दुआओं से अल्लाह के करम से मुझे रोजी वाला बनाया गया तो मैंने भाई माँ में 200 अरब की शक्ति लेकर पूरे पंजाब में 10 लोग एंट्री थे तो 400 रुपए का फरोख करवा रहे हैं। आज दिल्ली की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। मैंने अल्लाह के मामो ग्रंथ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तानी गांव को यह खुशखबरी दी कि 100 यूनिट बिजली इस बार शुरू के लिए आज से बिजली मुफ्त है, हमको बिजली का बिल नहीं अदा करना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से नियाजी हुकूमत ने कोर्ट से जाकर से ऑर्डर ले लिया। लेकिन मायूस होने की बात नहीं है, इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जब पूरे पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी तो बिजली 100 यूनिट नहीं इंशाअल्लाह 300 यूनिट को मुफ्त करेंगे पाकिस्तानी गांव के लिए। फिर कहता हूँ कि इंतखाबी दफ्तर के इस्तेमाल के मौके पर आपका ये जलसे का समा पेश करना हालांकि जलसा नहीं है लेकिन जलसे की तस्वीर नजर आ रही है। आज आपके दोस्तों भरोसे से हुए जमीनी तौर पर अल्लाह के हुजूर ये फोटो है। 8 फरवरी का सूरज शेर की जीत का प्रहार लेकर शुरू होगा। मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दौर में इंतकाम की इंतहा गई नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफी, सलमान रफी, हाफिज सलमान, हनी कपासी, मैं किस किस का नाम लूं और दुनिया की 2 साल एक ऐसे मुकदमे में जेल में रखा गया कि जब वो मुकदमा अदालत में आया तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अदालत ने कहा कि अल्लाह के करम से हमजा शहबाज और उसके खानदान के खिलाफ एक पाई भी मुर्दे में इमरान खान साहब नहीं कर सका। दोस्तों, मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान पुकार पुकार कर कह रहा है कि 8 फरवरी को बहुत समझ कर वोट डालना। आज पाकिस्तान की मईशत जरूहाली का शिकार है। ये मईशत जब 2000 के दम में उसकी नून को मिस्र में 1.9% में 1.9% और जब 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी तो 1.9% ग्रोथ थे तो हमने अल्लाह के फजल से 6.2% पहुंचाया। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और एक एक तक होने के लिए हमें अंग्रेज के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों को आपको याद है कि चीन ने 50 अरब डॉलर की सरमायादारी की, इस मुल्क में कुछ हाली थी, कोयले के कारखाने लगे, एलएनजी के कारखाने लगे, मुल्तान लाहौर मोटरवे बनी, सदर कराची कराची हैदराबाद मोटरवे बनी, सियालकोट लाहौर मोटरवे बनी और हवेलियां मोटर में पड़ी और अल्लाह के फजल करम से जब हम
हमने 2000 में ये वादा किया कौन से कि हम लोड शेडिंग के जिनको भोजन में बंद करेंगे। आपकी दुआओं से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की टीम ने दिन रात मेहनत की और हमने अल्लाह के फजल से 2000 पाकिस्तान के शुरुआत से लोड शेडिंग का हमेशा मिशन ये खात्मा कर दिया। तो अल्लाह की मदद से निकलेंगे, लेकिन आवाम से किए हुए हर वादे को पाकिस्तान मुस्लिम नून ने हमेशा पूरा किया, अपना वादा सच्चा किया। चाहे वो लोड शेडिंग के फेरों का खात्मा था, चाहे वो इस मुल्क की तरक्की का नया दौर था जो 2013 से तमाम ने देखा, अब अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह महंगाई के चीज को भोजन में बंद कर देना चाहिए। आज इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शक्ल में मेट्रो बस चलती है जो गर्मियों में गरीब आदमी को ठंडी बस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। शहर में और लाइन चलती है जिसमें बैठ के ये महसूस होता है कि ये लाहौर नहीं किसी और का कोई शहर है, महसूस होता है नहीं होता है। और इस लाइन में कितने लोग बैठे हाथ खड़ा करके बताओ, और इस लाइन आप फसल लाई के लिए आई। इंशाल्लाह हाँ देखो हमने के लिए लोग अपने प्यारों के इलाज के लिए चाइना और इंडिया के वीजा लगाने के लिए तरस रहे थे कि उनके प्यारों का लेवर और किडनी ट्रांसप्लांट हो। आज जाके देखो किडनी एलो ट्रांसप्लांट सेंटर भी लगाए जहां पर गरीब आदमी के लिए लेवर और किडनी का जो ट्रांसप्लांट यहीं पर मौजूद है और बेहतरीन इलाज होता है। मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाई और बुजुर्गों बहनों, आपको याद है आर्मी पब्लिक स्कूल का खराज हुआ क्या हुआ? पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी, उसके बाद नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को अपने साथ बिठाया और फौज रेंजर पुलिस की मदद से रतुल फसाद और धर्मपुर अदर के क्षेत्र में कामयाब ऑपरेशन हुए और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ और कराची की अमन की रौनक बहाल हुई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आज ये नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है फिक्र की बात नहीं, इंशाल्लाह आज थोड़ी दिन के जीतेगा तो इन नौजवानों को हम नौजवान अपने माँ बाप के सहारे बने भरा देगा। इन नौजवानों को तालीम देंगे तो दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल बनेगा। पूरे पंजाब में धार्मिक स्कूल है जहां पर अमीर का बेटा नहीं एक गरीब का बेटा एक नसीब पढ़ता है, उसका सेंटर जो है वो इस कॉलेज के बराबर है। ये शहबाज शरीफ का कारनामा है, खुदा के अनुग्रह करके। और मेरे साथियों, हमने
इस मुल्क को तरक्की देनी है, जरे मुआवजा कमाना है, उसके लिए पंजाब एक फ्रूट बास्केट का किरदार अदा कर सकता है। हमने 2013 में अपने किसान भाई को सस्ती खाद दी, ट्यूबवेल में सब्जी दी। हमने अपने किसान को मजबूत करना है। किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मेरे भाइयों, मैंने खुद जाकर व्यापक भाषा की और लड़ी, खुद जाकर देखी, नवाज शरीफ साहब ने मुझे भिजवाया। इस मुल्क में छोटे डैम बनने चाहिए ताकि पानी की किल्लत पूरी हो, और ड्रैमर भाषा डैम जो हम अपने पर मालिक है 16,000 मेगावाट की पैदा होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आज पाकिस्तानी कौम को बनाने का सुनहरी मौका हमने बस मिस कर दी, लेकिन अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम पाकिस्तान की सालमियत के जो मंसूबे हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज इंशाल्लाह शेख की हिम्मत आई तो ध्यान भाषा ध्यान को भी मुकम्मल करेंगे और उनको तोहफा देंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आपके जज्बे की गर्मी ने आज सुनो मेरी बात, आपके जज्बे की गर्मी ने आज सर्दी को मार दे दी है। शहबाज शरीफ से लेकर तमाम दीनी क्यादत को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया, और इंतकाम का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। आज मैं पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मजा ने कहा तो शेर 8 मई को जीतेगा। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन कोचा खाने की घड़िया चोरी कर दोस्त कुमार के तोहफों को अपनी जेब में डालकर करोड़ों बटोरने वालों का हिसाब तो होना चाहिए, मिलने वाला चाहिए। 190 मिलियन पाउंड में बंद लिफाफे को पकाया दिखाए, कबीना से पास कराकर उस शख्स का हिसाब किताब होना चाहिए, मिलने वाला चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा तमाम की खिदमत की है, और 8 मई के बाद आपके कांधे से कांधा मिलाकर इस मुल्क के लिए दिन रात एक करेंगे, और इस मुल्क को मुआशी के हिसाब से निकालकर फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं मिलेगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चारा फेगी फेगी तो मेरे साथ हाथ खड़ा कर सब हाथ खड़ा कराओ, इंशाल्लाह 8 बजे तक अपने आप को वक्त करो। शेर के लिए।